जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2027 तक जोरावर लाइट टैंक हो जाएगा तैनाती के लिए तैयार। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन वाले मामले पर अभी तक नहीं मिला कोई क्लू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मुताबिक थिएटर कमांड्स हैं इररिवर्सिबल। आईटीबीपी के 7 नई बटालियंस में से 6 को तैनात किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और अंडमान निकोबार आइलैंड के पास भारत कंडक्ट करेगा एक नया मिसाइल टेस्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एलएनटी को डीआरडीओ से 25 टन के एक नए लाइट टैंक के पहले प्रोटोटाइप को विकसित करने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा जिस लाइट टैंक को स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है, तो संभावित रूप से इसका नाम होगा जोरावर, और जो कि मुख्य रूप से लद्दाख जैसे एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर ऑपरेट करने के हिसाब से डिजाइन किया गया होगा। और डीएसी ने भी इस तरह के 7 लाइट टैंक्स के रेजिमेंट को बनाने के अप्रूवल भी दे दिए हैं, और हर एक रेजिमेंट में 45 टैंक्स रहेंगे। हालांकि पहले योजना ये थी कि जो K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवेटजर है, तो उसी के चेसिस के आधार पर नया लाइट टैंक विकसित किया जाना था, लेकिन आर्मी की तरफ से जो लाइट टैंक में 25 टन तक के वेट वाली रिक्वायरमेंट रखी गई, तो फिर इस रिक्वायरमेंट के बाद से फैसला लिया गया कि डीआरडीओ और एलएनटी एक बिल्कुल ही नए सिरे से लाइट टैंक को विकसित करेंगे। क्योंकि अगर K9 वज्रटी के चेसिस के ऊपर टैंक बनाया जाता, तब इससे उसका वजन 34 से 35 टन तक जा रहा था, और यह प्रोटोटाइप इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो इसका डेवलपमेंट फेज है, उसे 18 महीने से 2 वर्ष तक का समय लग सकता है, और फिर जो प्रोडक्शन है वो उसके अगले वर्ष शुरू होगा। बाकी जैसे कि 350 लाइट टैंक्स के लिए टेंडर ऑलरेडी जारी किया हुआ है, तो उनमें से 59 टैंक्स को डीआरडीओ और एलएनटी मैन्युफैक्चर करेगी। जो बाकी के टैंक्स हैं, फिर उन्हें मेक वन कैटेगरी के तहत मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि इसमें 90% तक की फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से रहती है। और डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इस नए लाइट टैंक में मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस रहने वाले हैं। और बाकी अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जोरावर लाइट टैंक 2027 तक अपनी तैनाती के लिए तैयार हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मी के लिए एडिशनल 100 और K9 वज्रटी हाउवेटजर्स के ऑर्डर्स पर भी बात चल रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भोपाल में जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडियन मिलिट्री कमांडर्स को इस बात के निर्देश दिए थे कि वे इंटीग्रेशन और ऑपरेशन सिनर्जी को पुश करें। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मेजर मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री के संदेश को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और इसी के तहत मिलिट्री थिएटर कमांड्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पुणे में सदर्न आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। इससे पहले वे वेस्टर्न नेवल कमांड और MDL को भी विजिट कर चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत में 18 मेजर मिलिट्री कमांड्स को विजिट करेंगे, ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस में बात क्लियर रहे कि मिलिट्री थिएटर कमांड्स मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। और प्रधानमंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के बीच इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि इंडियन आर्म फोर्सेस पीस टाइम में नेशनल डेवलपमेंट की तरफ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, और जबकि इसके साथ साथ इंडियन बॉर्डर्स पर किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री की तरफ से फोर्सेस को यह भी कहा गया कि सेपरेट मेस या फिर रेस्ट के लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स, तो इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी अवॉइड करें। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन वाले मामले पर पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि वे आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जो भी इस फायरिंग के पीछे था, तो उसे ढूंढने के सारे प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी इस मामले पर ऐसा कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा है, और फिलहाल अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला है। बाकी आर्मी अथॉरिटीज की कोऑर्डिनेशन के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी जैसा कि पुलिस की FIR में एक आई विटनेस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 2 अननोन पर्सन थे जिन्होंने सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था, और उन्होंने अपने फेस और हेड कपड़े से कवर कर रखे थे, और उस आई विटनेस ने जो कि एक जवान था, उसने फायरिंग के बाद इन दोनों को ही बैरक से बाहर आते हुए देखा था। और FIR में यह भी लिखा गया कि इन 2 अननोन पर्सन में से एक के हाथ में इंसास राइफल थी और एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, और ये दोनों सस्पेक्ट्स फिर जंगल वाले एरिया की तरफ भाग गए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है वो ये है कि इस घटना में हमने अपने जिन जवानों को खोया है, तो उनकी बॉडी पर केवल बुलेट इंजरीज मिली हैं, किसी भी कुल्हाड़ी से या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के निशान इसमें नहीं मिले। और अभी सबसे गंभीर समस्या यह है कि 72 घंटे बीत जाने के बावजूद भी इन हमलावरों की कोई पहचान नहीं हुई है, और फिलहाल जो आई विटनेस है उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले का एक ही आई विटनेस है, और उसके अलावा किसी और ने इन दोनों सस्पेक्ट्स को कैंपस में नहीं देखा है। और बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे, तो हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। आज जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा की एक आउटडोर स्पीच के दौरान हिंसक घटना होने की रिपोर्ट सामने आई है। इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री के पास एक पाइप जैसा ऑब्जेक्ट फेंका गया था। हालांकि अच्छी बात यह कि इससे पहले कि जापान के प्रधानमंत्री को कोई नुकसान पहुंचता, उन्हें समय पर इवैक्यूएट कराया गया, लेकिन उसी एरिया पर एक्सप्लोजन भी हुआ था। और अच्छी बात यह कि जापान के प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित हैं और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने वाकायामा में हुई इस हिंसक घटना की निंदा करी है, और अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई एक हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे मित्र PM फुमियो किशिदा भी मौजूद थे,
और ये जानकर राहत मिली है कि वे सुरक्षित हैं। उनकी निरंतर कुशलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। बाकी भारत हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करता है। और आज जो ये एक्सप्लोजन हुआ है तो ये जापान के प्रधानमंत्री की स्पीच से ठीक पहले हुआ था। और आप सभी को ध्यान होगा कि अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी पर इसी तरह के पब्लिक इवेंट पर हमला हुआ था जिसमें उनकी जान चली गई थी। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की इस घटना को जिसने अंजाम दिया था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सबके अलावा एक अपडेट यह है कि 2023 की पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित करने के लिए शेड्यूल किया गया है और ऐसा पहली बार होगा जब आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड फॉर्मेट में कंडक्ट की जाएगी जिसमें आर्मी कमांडर्स और अदर सीनियर ऑफिशियल्स हैं तो वे पहले दिन वर्चुअली मीटिंग करेंगे और फिर कुछ खास मैटर्स पर डिस्कशन करने के लिए फिजिकल मीटिंग के लिए वे दिल्ली भी ट्रैवल करेंगे। और जबकि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे और इस दौरान वे इक्विपमेंट डिस्प्ले की भी समीक्षा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से कुछ नीच टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, सर्विलेंस के लिए नए सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, तो इन सभी पर मेन फोकस रहेगा। चीन की तरफ से कहा गया है कि उसने सफलतापूर्वक एक ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट को कंडक्ट किया था और ये टेस्ट स्पेस से आने वाले किसी भी वेपन को ब्रिंग डाउन करने की चीन की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये टेस्ट कल रात को चाइनीज टेरिटरी के अंदर कंडक्ट किया गया था और इस दौरान उनके वेपन ने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। बाकी ये टेस्ट डिफेंसिव नेचर का था और इसमें किसी भी दूसरी कंट्री को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि चीन ने इस टेस्ट को लेकर और डिटेल्स जारी नहीं करी हैं जैसे कि किस तरह के ऑब्जेक्ट के खिलाफ इसे टेस्ट किया गया, कितने इंटरसेप्टर्स फायर किए गए थे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और फिर वो कहां पर लैंड हुआ। लेकिन जिंदी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये एक मिड कोर्स एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्निकल टेस्ट था और इस तरह के टेस्ट में आमतौर पर या तो इंटरमीडिएट रेंज की या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन इस टेस्ट में चीन ने अपनी कौन सी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में ऑफिशियली तो कोई डिटेल नहीं है, लेकिन कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान चीन की HQ-19 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था जो कि एक मिड कोर्स इंटरसेप्टर है। जबकि इसके अलावा मिड कोर्स इंटरसेप्टर के तौर पर जो चीन है वो काइनेटिक किल व्हीकल टेक्नोलॉजी को भी विकसित कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनके मुताबिक जो चीन है उसने तिब्बत में 3 एयरफील्ड्स पर काफी बड़ी संख्या में अपने फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, एवॉक सिस्टम और मीडिया रिफ्यूलर्स को तैनात किया है। और बताया जा रहा है कि भारत की सीमा के करीब इतनी बड़ी संख्या में चाइना जो अपने एयरक्राफ्ट को तैनात कर रहा है वो मुख्य रूप से US और भारत के बीच चल रही कोप इंडिया एक्सरसाइज के जवाब के तौर पर हो सकती है। और बाकी जैसा कि तय था कोप इंडिया एक्सरसाइज के दौरान US एयरफोर्स की 28th बॉम्बिंग से B-1 बॉम्बर्स ने इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के साथ पार्टिसिपेट किया था और US बॉम्बर के पहली बार भारत में किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के साथ ही एक पुराना टॉपिक फिर से चर्चा में है कि क्या भारत को भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले क्लियर किया गया था कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट को खरीदने की उनकी ना तो वर्तमान समय में और ना ही भविष्य में किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है, जबकि इसके बजाय जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी फाइटर जेट्स की फ्लीट को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन में मिलिट्री एनालिस्ट विजेंद्र के ठाकुर का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को क्रूज मिसाइल कैरियर की तत्काल जरूरत है क्योंकि Su-30 MKI फाइटर्स जो कि अभी फिलहाल केवल एक सिंगल ब्रह्मोस को ही कैरी कर सकते हैं तो इन पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं रहेगा। और इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स या तो B-1B जैसे बॉम्बर्स को खरीद सकती है या उन्हें लीज पर भी ले सकती है जिससे उन्हें क्रूज मिसाइल के साथ इक्विप करके भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि B-1B बॉम्बर की स्क्वाड्रन भारत के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज मनोवर्स को काउंटर करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार ITBP की 7 नई बटालियंस में से 6 बटालियंस को अरुणाचल प्रदेश में ही डिप्लॉय करेगी और ये ITBP के वही 7 नई बटालियंस हैं जिनको बनाने की मंजूरी अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से दी गई थी, जिनमें टोटल 9400 पर्सन रहने वाले हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि 25 से 28 अप्रैल तक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास भारत ने एक संभावित मिसाइल लॉन्च के लिए एरिया वार्निंग जारी करी है और इस बात की संभावना है कि इस दौरान एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि US के हाई लेवल डेलीगेशन ने भारत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, एडवांस वायरलेस, बायोटेक्नोलॉजी, जियो साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स और डिफेंस, तो इन क्षेत्रों पर बायलेटरल कोऑपरेशन को और मजबूत करने की बात कही है। इसके अलावा सेंटिनल लैब्स के मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड हैकर ग्रुप ने क्रिमसन मॉलवेयर के इस्तेमाल करके भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने की कोशिश करी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर बलदेव राज और लांस नायक प्रहलाद सिंह गुर्जर वीरगति को प्राप्त हुए थे। पैराट्रूपर बलदेव राज को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और लांस नायक प्रहलाद सिंह गुर्जर को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और जबकि आज इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र 5-स्टार रैंक ऑफिसर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह की बर्थ एनिवर्सरी भी है।
तो इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न है कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख का कार्यभार कब संभाला था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।